देखो पिछले 1.5 महीने से हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, हमारा सबका स्वास्थ्य खत्म हो गया, बिल्कुल डैमेज की स्थिति आ गई है। मेडिकल ग्राउंड पे सारे 5000 के युवा मित्रों की स्थिति पैदा हो गई है, और जो हमारा साथी था वो भी हमें एक छोड़कर चला गया, तो इतनी दयनीय और इतनी बुरी स्थिति बन चुकी है। उसके बावजूद भी भजन सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है, हमारी समस्याओं का रद्दअमल नहीं कर रही है। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ 100 बातों की एक बात जानता हूँ, अगर भजन लाल सरकार सुशासन के नाम से सत्तारूढ़ हुई है, अगर भजन सरकार राम राज्य स्थापित करने की दृष्टि से सत्तारूढ़ हुई है, अगर भजन सरकार 8 करोड़ जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जन कल्याण और सर्व कल्याण देने की भावना से सत्तारूढ़ हुई है, तो उन्हें हम 5000 युवाओं को पुनः रोजगार देना होगा, पुनः बहाली करनी होगी। ये एक बात है, और मैं तो यही कहूँगा भजन सरकार कि जनता आपकी ओर लालायित है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो घर घर तक नहीं पहुंच रही है, आपके अधिकारी और आप इस बात से भली भांति परिचित है, इस ओर ध्यान दीजिए, हमारी समीक्षा कीजिए और हमें पुनः बहाल कीजिए। धन्यवाद सर। ऐसा किताबों में पढ़ी थी जनता का जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, लेकिन इसका जस्ट विपरीत हो रहा है। अगर हमारे गाँव में कोई फालतू कुत्ता होता है जिसको सभी गाँव के जानते हैं या बोलने वालों ने पाला होता है, अगर वो भी मर जाता ना तो उसके लिए भी बहुत दुख होता है और भावात्मक रूप से सब दुखी हो जाते हैं। लेकिन आप देखो ये किस प्रकार का लोकतंत्र है, यहाँ पर शहादत हो चुकी है। राजकुमार गुप्ता मेरा भाई जिन्होंने जान दे दी, फिर भी इस लोकतंत्र में ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे पास आया ना भजन लाल की कुर्सी का कोई असर हुआ, ये बहुत दुख की बात है। और रही बात RYM को बाल होने की, यहाँ पर कितनी शहादत चल जाए, यहाँ पर कुछ भी हो जाए हम बाल होकर ही जाएंगे। और आपको पता होगा एक तो हमारा राजकुमार गुप्ता भाई शहादत के लिए चढ़ गया, बट एक व्यक्ति मानसिक असंतुलित भी हो चुका है, लगातार डेली कोई ना कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, खुले में सोते हैं, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को निमोनिया हो गया, किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। इतना बुरा सलूक किया जा रहा है कि इतना बुरा सलूक तो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता गांव में, इस बात का बहुत दुख है। और जिस प्रकार के लोकतंत्र की हम उम्मीद करते थे ये उसके जस्ट विपरीत लोकतंत्र है। चाहूंगी कि भाई हमें जल्दी बहाल किया जाए, क्योंकि हम भी परेशान हो रहे हैं, यहाँ सारे युवा मित्र परेशान हो रहे हैं और उनके साथ हमारी मतलब पूरी फैमिली भी बहुत डिस्टर्ब हो गई है, बहुत परेशान हो रहे हैं हम, तो जल्दी से बहाल किया जाए और हमारा जो काम है उसको जारी किया जाए, निरंतर किया जाए। हमारा तो यही था प्रचार प्रसार, तो वो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई जल्दी से जो भी है हम समस्याएं तो है ही ना, जैसे अब 3 बच्चे हैं मेरे भी, वो स्कूल भी जाते हैं तो उनके लिए हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, उनका पीछे का जो खाने का या जो भी है हमें किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है वो हम ही जान सकते हैं। और फिर हमें यहाँ आना जाना कितनी बार अप डाउन करते हैं, कितनी बार यहाँ नाइट में रहते हैं, बारिश में, धूप में, सर्दी में, बहुत परेशान हम भी हुए, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं।